हाँ सात साल की उम्र में मेरे पापा रेलवे स्टेशन में खीरे बेचा करते थे नमक लगा के आ, तो मैं एक बैक बेंचर टाइप का था क्लास का कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था कुछ कुछ दिन तो मैंने ऐसे बिताए कि मतलब जो पुराना बासी चावल रहता था उसमें मैं पानी डाल के अचार के साथ मिक्स करके खा लिया और मतलब मेरे पापा सोलह सोलह सत्रह सत्रह घंटे मेहनत करते थे मतलब टैक्सी चलाते थे कि मतलब आज भी चलाते हैं मतलब करंटी आज आई दिल्ली में भी हूँ आज भी मेरे घर की कंडीशन उतनी सही नहीं है तो आज मैं आई टी दिल्ली की हुडी पहन के आ सकता था मेरे पास लेकिन मैं आज अपने पापा के जैकेट पहन के बैठा बैठाऊँ तो एक पॉइंट के बाद तो बहुत बढ़िया क्या मैं जिस एरिया में रहता था स्लम वहाँ मतलब बच्चों के बहुत नॉइजेज होते थे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे स्लम के जैसे स्लम के लोग जो मेरे को चिढ़ाते थे कि टैक्सी वाले का लड़का है तो ये फ्यूचर में भी टैक्सी चलाएगा तो इतने नॉइज़ होते थे जब मेरे वो रिलेटिव्स ने घर से निकाल दिया था मैंने किताब कॉपी को बाहर रख दिया था मैं तुम्हें यहाँ पे फोर लाख की अपनी तरफ से स्कॉलरशिप दूंगा नहीं सर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ये मैं, मैं तो, तो तुम्हें कॉलेज लोन दूंगा ना मैं नहीं सर मैं लोन वापस करेगा मे, मेरे लिए जब तक आ, आ, जब तक मेरे फादर जिंदा है तो मेरे को किसी की फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत नहीं जय हिंद मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं आई टी जेई दो हजार बाईस के बहुत ही बेहतरीन कहानी रोहित शॉ ये समय आई टी डेली में पढ़ाई कर रहे हैं वहां से बी टेक कर रहे हैं रोहित शॉ आते हैं कोलकाता के एक स्लम एरिया से जिसका नाम है निकाशी, निकाशी पाड़ा।, पाड़ा रोहित की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है बहुत ही मोटिवेटिंग है और खास करके उन लोगों के लिए जो जीवन में ये कहते हैं कि हमारे पास सुविधा का बहुत अभाव है सुविधा के सारे अभाव को तोड़ते हुए पार करते हुए संघर्ष करते हुए रोहित ने आईटी का एग्ज़ाम क्लियर किया हाँ। आज मेरे सामने बैठे हैं आईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से रोहित के पिताजी टैक्सी चलाते हैं और ये उनके पिताजी का संघर्ष है उनकी दुआएं हैं कि आज बच्चा आईटी दिल्ली में बैठा हुआ है कैसा लग रहा है रोहित सर अभी तो आपके सामने बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलने के लिए मैंने छः साल वेट किया बहुत पहले से ही आपको देखता था जब आपके फाइव के सब्सक्राइबर वगैरह थे तो उस पॉइंट में तो ये था कि मतलब आप आई सी या सी एस सी बच्चों को पढ़ाते थे तो आपकी लेक्चर देख के मैं अपनी ट्यूशन फी बचा लेता था कि मतलब घर परिवार में वो ना हो कि पैसा देना पड़ गया ज़्यादा तो हमारा बैकग्राउंड मतलब हमारा एक छोटा सा रूम है जिसमें मैं दीदी मेरी मम्मी और मेरे पापा हम मैंने अपनी स्कूलिंग अभिनव भारती हाई स्कूल से करी है जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़नी ही बहुत बड़ी बात थी और मेरी मम्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था जब एक घर में एक माँ कोई एडुकेटेड होती है मेरी मम्मी ने बी ए किया हुआ है एक एडुकेटेड अगर मम्मी रहती है तो वो घर परिवार को पढ़ा देते हैं वो तो मैंने और मेरी दीदी ने दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल से की वरना हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं और इंडिया में तो ये चलन है कि मतलब आप स्कूलिंग आपको प्राइवेट चाहिए और कॉलेज आपको गवर्नमेंट चाहिए ये चलता रहता है इंडिया में तो हमने वहाँ की और अगर मैं उस स्कूल में कभी पढ़ता नहीं तो मेरे को ये आई आई टी जेई का सपना नहीं आता नहीं मैं कभी इस सपने के लिए फाइट बैक करता मैंने जेई मेन सेशन वन में आपको बोला था कि 83 थ्री परसेंटेज स्कोर की थी जो कि मतलब समथिंग इक्विवेलेंट टू एक लाख अस्सी हज़ार रैंक बैठती और इसका मतलब प्रमाण देने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी सारा जो भी है सारा रिज़ल्ट पब्लिश कर रखा है ताकि बच्चे को लगे ना कि मैं किसी हद तक झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में आप कुछ लोग रिज़ल्ट देख के डिसाइड करते हैं कि जैसे है फिर सेशन टू में मैंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया था और एडवांस में भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करके आज आई दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंपनिंग डिपार्टमेंट का मैं 2022 का रैंक ओपनर था तथा मैंने आई टी के इतिहास में हिस्ट्री ऑफ आई आई एडवांस मैं सबसे बेस्ट अपनी कैटेगरी से रैंक लेके ओपन किया था मैथमेटिक्स एंड कंपनी और मैं चार महीने पहले प्री बोर्ड में ट्वेंटी परसेंट मार्क्स अचीव किए थे मैथ्स में तो मैंने मैं जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था चार महीने पहले उसी सब्जेक्ट में मैंने रैंक ओपन की थी रैंक ओपन मतलब सबसे बेस्ट रैंक होती है आपकी आ, उस डिपार्टमेंट से उस ईयर में और उस ईयर की नहीं। बोलते हा? ब्रांच ओपनर ओपनर बोलते हैं ब्रांच ओपनर बोलते हैं और हिस्ट्री में भी मतलब मैं सबसे कम रैंक पे खोली थी मैथ्स मेरे कहानी के दो मुख्य किरदार है एक मेरी माताजी और एक मेरे पिताजी मेरे पिताजी ने बचपन से संघर्ष किया है वो क्लास थ्री में पढ़े क्लास थ्री तक पढ़े हैं वो और वो बचपन में जैसे सात साल की उम्र से वो पैसे कमा रहे हैं ताकि वो अपने भाइयों को सपोर्ट कर सके पहले फिर सात साल सात साल की उम्र से हाँ सात साल की उम्र में मेरे पापा रेलवे स्टेशन में खीरे बेचा करते थे नमक लगा के आ, उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ जो मेरे दादाजी उनके साथ एक पान दुकान खोली पान की शॉप खोली और फिर उससे भी नहीं मतलब इनकम उतनी नहीं हुई तो बस कंडक्टर बने बहुत कम उम्र में तेरह चौदह साल की उम्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया बस कंडक्टर बन के उन्होंने देख देख के गाड़ी चलाना सीखा मतलब उनके पास वो कोई फॉर्मल वो नहीं थी कि वो सीख सके उन्होंने खुद का फिर एक टैक्सी खरीदा और जब मेरी दीदी पैदा हुई थी तो मैं मे, मेरे घर में छत नहीं थी जब तक मैं पैदा हुआ तब तक एक छोटा सा रूम था एक छोटा सा ही रूम था और वो रूम मेरे हॉस्टल के रूम के एक है वो सब याद करता हूँ तो बहुत इमोशनल रहता है मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है मतलब बहुत जगह फेल भी हुआ बहुत चीज़ पाने की कोशिश की बहुत जगह फेल भी हुआ था मैं और जैसे बचपन में मम्मी डांट दिया करती थी कि रोना बंद कर जैसे कोई चीज़ में मैं रोता था तो रोना बंद कर वरना और और मारूँगी तो बड़े होते होते अगर आज मेरे को कोई दस थप्पड़ भी मार दे तो आंखों से आंसू नहीं निकलते इतना कुछ झेल चुका मैं आ, अपने लाइफ टाइम में और एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास बच्चे का सपने बहुत बड़े रहते हैं मतलब उनको अचीव बहुत कुछ करना रहता है और उसके इक्विवेलेंट वो मेहनत नहीं करते मतलब एक्चुअली जब टेंथ हुआ था टेंथ में मेरे एट्टी नाइन परसेंटेज से समथिंग समथिंग मैं क्लास में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया और इसका ताना मम्मी आज तक देती है मेरे को अब भली मैं आई दिल्ली में सिलेक्शन ले चुका कि मतलब तुम क्लास में कभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं आए तो मैं बैक वेंचर टाइप का था क्लास का कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था जो स्पेशल जो फर्स्ट आता है उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है फेवर वगैरह मिलता है मेरे क्लास के टीचर भी मेरे को देख के हजिया करते थे कि मतलब ये क्या ही जाएगा आई मैं बोलता था तो वो मतलब ऐसे मुँह घुमा लेते थे, थे कि मतलब बहुत बड़े टीचरों ने बोला कि मतलब कि तुमसे नहीं होगा बाकी दूसरे बच्चों से हो जाएगा तुमसे नहीं होगा तो ऐसा ऐसा चलता गया क्लास टेंथ में मैंने बोर्ड दिया था उसके बाद कोविड आ गया कोविड नाइन्टीन में पापा की वो जो टैक्सी चलाते थे तो सब बंद हो गया क्योंकि देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की कि ऐसा नहीं कर सकते तो डेली वेज लेबर का तो ये रहता था रोज़ कमा के जो खाते हैं कि मतलब उनको इनकम जनरेट करने में बहुत दिक्कत हुई तो कुछ कुछ दिन तो मैंने ऐसे बिताए कि मतलब जो पुराना बासी चावल रहता था उसमें मैं पानी डाल के अचार के साथ मिक्स करके खा लिया कभी मेरे पापा तो मतलब मैं तो तब भी थोड़ा सा अच्छा सा खाता था मेरे पापा बस एक सूखी सी रोटी आ, उसमें सरसों का तेल और नमक घस के खा लेते थे, थे और मतलब मेरे पापा सोलह सोलह सत्रह सत्रह घंटे मेहनत करते थे मतलब टैक्सी चलाते थे कि मतलब आज भी चलाते हैं मतलब करेंटली आज आई दिल्ली में भी हूँ आज भी मेरे घर की कंडीशन उतनी सही नहीं है भले ही आई मतलब बहुत बड़ी सक्सेस की चीज़ होती है लेकिन मेरे लिए मेरे पापा सबसे बड़ी चीज़ थे तो आज मैं आईटी दिल्ली की हुडी पहन के आ सकता था मेरे पास थी भी लेकिन मैं आज अपने पापा के जैकेट पहन के बैठा हूँ जो उन्होंने मेरे को दिया था अपने तो एक पॉइंट के बाद तो आ... बहुत बढ़िया तो एक पॉइंट के बाद तो एक वही रहता कि मतलब मैं बहुत फेलियर देख चुका जैसे इलेवेंथ में आपका अल्फ़ा सीरीज स्टार्ट हुआ था तो अल्फा सीरीज से मैं थोड़ा बहुत फॉलो किया तो बहुत यूट्यूब में तब बहुत कंट्रोवर्सी चलती थी जो आज भी चलती है कि अलग पांडे सर बोर्ड लेवल का कंटेंट पढ़ाते हैं जेई नी टीम से सिलेक्शन नहीं होगा तभी चल रहा था 2020 की बात कर रहा हूँ मैं तो इन यूट्यूब के गुरु के वजह से मेरा पूरा इलेवन चौपट हो गया इलेवेन्थ में, में मेरे फिफ्टी फोर परसेंट थे कम पार्टमेंट थी मेरी फिजिक्स में ही थी क्योंकि मैंने फिजिक्स कंप्लीट नहीं किया था अल्फा सीरीज़ बीच में बंद हो गया था और अनाउंस हुआ भी नहीं था कि अल्फ़ा सीरीज़ बंद हो रहा है उसके बाद मैंने थोड़ा टीचर को रोका कि टीचर ने मेरे को फिर डांटा कि मतलब ईयर रिपीट करने में मैंने बोला कि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं वापस फ़ीस दे पाऊँ स्कूल का तो बहुत रोक के कि जैसे किसी सब सब्ज, एक सब्जेक्ट होता है पेंटिंग तो उसमें बारह मार्क्स पासिंग का चाहिए था तो मेरे एग्जैक्टली बारह ही आए थे तो वैसे वैसे करके हुआ फिर ट्वेल्थ में आया तो ट्वेल्थ में मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में था कि मतलब यूट्यूब में आप चलाओगे तो शॉर्ट्स दिख जाता है कुछ ना कुछ आप क्लिक करते हो तो पढ़ाई के अलावा आप सारी चीज़ें करते हो YouTube या कहीं Instagram पे भी तो ऐसे ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था तो ये मतलब रियल लाइफ की स्टोरी है जो भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ता है ऑनलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो मेरे अंदर चीज़ नहीं थी भले ही मेरे अगल बगल में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी उस चीज़ के बाद मेरे मतलब एक टेल्थ में भी मैं एक रिलेटिव के घर गया था कि मतलब एक छोटा सा रूम मिल जाए क्योंकि स्लम्ब्स या मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ मतलब बच्चों के बहुत नॉइजेज होते थे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे स्लम के वो चिल्ला रहे हैं ये जो जगह है हाँ निकाशी पाड़ा हाँ यहाँ के ज़्यादातर लोगों की आ, क्या व्यवसाय हैं क्या काम करते हैं है, वहाँ के बच्चे पढ़ाई वढ़ाई में कैसा करते हैं वहाँ के बच्चे पढ़ते ही नहीं एक्चुअली वो मैं आपको बोला था ना मैं इंग्लिश मीडियम में स्कूल से पढ़ रहा था वही मेरे मतलब मेरे खानदान में पहला ही बच्चा था जो अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था वो भी मेरी मम्मी के कारण वरना हमें एडमिशन पापा नहीं दिलवाते पापा गवर्नमेंट स्कूल में दिलवाते क्योंकि पैसे थे नहीं तो वो उनका भी थोड़ा लिहाज़ करना पड़ता तो हमारे वहाँ तो मतलब पढ़ते ही नहीं बच्चे मतलब बच्चे पढ़ते ही नहीं उनको पता ही नहीं आज तक उनको नहीं पता कि मैं आईआईटी दिल्ली में मतलब जो आईआईटी दिल्ली की सबसे टॉप ब्रांच है उसमें पढ़ रहा हूँ तो आज भी उनको नहीं पता और ना ही मेरे किसी रिलेटिव को पता कि मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो समझते नहीं आई टी डेली है हाँ उनको मतलब पता नहीं रहे होता कि आई आई टी चीज़ क्या की मतलब हमारे वहाँ नॉलेज बहुत कम रहती है कोलकाता में जिस ईयर में मैंने सिलेक्शन ली मुझे थी लगता है उनकी लड़ाई मतलब दो वक्त की रोटी की है तो आईआईटी उनके लिए मतलब आईआईटी मतलब आई लिए नहीं, मतलब हाँ। हाँ। तो वो आ, स्लम के बच्चे थे तो मतलब वो मेरे को चिढ़ाते थे जैसे स्लम के लोग जो मेरे को चिढ़ाते थे कि टैक्सी वाले का लड़का है तो ये फ्यूचर में भी टैक्सी चलाएगा तो मेरे मुँह पे भी बोल देते थे कि टैक्सी कब चलाएगा ऐसे करके बोलते थे ऐसे ऐसे कमेंट सुनना पड़ता था मेरे को पापा को पापा के खुद के दोस्त यार बोलते थे कि लड़के को पढ़ा लिखा के क्या करेगा इतने बड़े स्कूल में पढ़ा लिखा के क्या करेगा पढ़ लिख के क्या डॉक्टर इंजीनियर बना देगा तो ऐसे ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे पापा को तो वो गुस्सा भी रहता था पापा का क्योंकि रिज़ल्ट तो मैं लाया नहीं था इलेवेथ में फिफ्टी फोर और टर्म वन सी बी एस ई के टर्म वन में मैं सिक्सटी परसेंट लाया था प्री बोर्ड में मैथ्स में ट्वेंटी परसेंट मेरे मार्क्स थे और मैंने चार महीने बाद उसी ब्रांच में ओपन की थी तो उसके बाद बहुत कुछ चला चीज़ें यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शनस हो गए या बहुत कुछ क्या डिस्ट्रैक्शन था यूट्यूब तो पर समझाओ तुम तो बार बार बोल रहे हो यूट्यूब में लाइक आप वो सब देखते हैं कि जैसे सत्तर मार्क्स सत्तर में से सत्तर मार्क्स कैसे लाए पंद्रह दिन में आई आई क्लियर करें नाइनटी नाइन परसेंट कैसे लाए बहुत सारे मतलब फेक चीज़ बोलते हैं तो उस उन, उनमें भटक जाते हैं लोग और जैसे बार बार सब मोटिवेशन देखने लगते हैं लगता है आपको पढ़ाई करना चाहिए आप मोटिवेशन में चले जाते हो क्योंकि आपसे वो हार्ड चीज़ होती नहीं फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं होते तो आप स्किप करके आप यूट्यूब पर आ जाओगे और यूट्यूब का एक घंटा का चार पाँच घंटा बन जाता है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे सोने के पहले आपको रियलाइज होता है वो जो स्लम में आवाज आपकी जा... पहले भी बात हो चुकी है क्या नहीं सर सर वीडियो इंटरव्यू में नहीं नहीं सर मैं आपके विक्ट्री सेलिब्रेशन में आ नहीं पाया क्योंकि पापा और घर का चीज़ें अरेंज कर रहे थे मेरे को बहुत मन था लेकिन मैं उस टाइम नहीं आ पाया और मतलब मैं यूट्यूब के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी जो जे की तैयारी है वो मतलब कंप्लीटली फिजिक्स वाला के लक्ष्य व्यस्त से ही की थी ना ही मेरे पास किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी और भी मॉक टेस्ट वगैरह में मैं इन था मतलब किसी और में मेरा आपको नाम या नंबर इनरोल्ड नहीं मिलेगा मैंने मैंने बस अलग सर को फॉलो किया था और राजवंश सर वगैरह पंकज सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे उनको फॉलो किया था अपने बैस से उसके बाद चीज़ें चलती गई मेरे पापा मतलब मैं तो मतलब कोई सुपर हीरो को जानता नहीं तो मेरे पापा ही मेरे लिए सब थे तो उसके बाद सेशन टू आया मतलब जे का सेशन वन आया मैंने बहुत गंदा परफॉर्म किया एट्टी परसेंटाइल फिर वहाँ से फिर से डीमोटिवेट हो गया एक होता है ना मॉक एग्जाम देने के बाद भी आप डीमोटिवेट होते हैं मेरे ऑफिशियल पेपर में एटी थ्री परसेंट डाले तो मैं डीमोटिवेट सा हो गया फिर मम्मी ने बोला कि तू एक बार कोशिश तो कर ऐसी हार मान जाता है तू लाइफ में हमेशा तो मैंने फिर थोड़ा एफर्ट किया और मैं कट ऑफ क्लियर कर गया उसके बाद भी मैंने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज तब तक था ट्रिपल आई टी क्योंकि मतलब एडवांस के सपने क्या देखूँ मैं मैं फेल ही हो रहा था तो कट ऑफ क्लियर बहुत मुश्किल से हुआ था और मेरे को याद है कि मतलब एग्जैक्ट एक महीना बचा था जेई एडवांस को मेरा पेपर था 28 अगस्त को 2022 का और मैंने मतलब वो एक महीने बहुत पढ़ाई की मैं मतलब 19 घंटे पढ़ता था दिन के और इफ़ेक्टिव पढ़ाई मेरा मतलब लगभग 12 से 13 घंटे होता है मतलब 19 घंटा आप पढ़ो तो ज़रूरी नहीं कि 19 घंटा आप रिटेन रखो 12 तेरह घंटा मैं रोज़ पढ़ता था और जितने सारे पी वाई क्यूज़ है जितने सारे डी पी पी सोल्यूशन आपके ऐप में मॉक टेस्ट सारा दिया मैंने सारा ताकि मतलब एक क्वेश्चन बन सके क्वेश्चन की हैबिचुअल हो सकूँ मैं और फिर दिन दिन था अट्ठाईस अगस्त दो हज़ार बाईस मैंने अपने पापा को बोला कि आप मेरे साथ मत आओ ये मेरी अकेले की लड़ाई है मैं अपने एग्जाम सेंटर अकेले गया था उस दिन और सेशन वन में मैंने देखा कि मतलब दो हज़ार बाईस का आज तक के आई के हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर था दो हज़ार तेईस का भी ईजी था उसके कंपेरेटिवली तो पेपर वन में मैं मैं, मैं उस, देख लिया कि मतलब ये इसमें एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करने मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा कर सकता हूँ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैं जब मतलब अपने लाइफ के बहुत लोएस्ट में था ना तो मैं महादेव जी का तो मतलब शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था तो मैं रोज़ मंदिर जाता था लाइक like, रोज तो वहाँ से थोड़ी से एक मंदिर जाके वो मंत्र वंत्र सुनने से थोड़ी से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और मेरे लाइफ में सारा बुरा ही हुआ मैं लाइफ में हर जगह फेल ही हुआ हूँ आज भी कॉलेज में फेल होता हूँ लेकिन मेरे को पता है कि मैं अपने आप को कहीं से भी खड़ा कर सकता हूँ अगर मैं कुछ भी फेल हो गया मे मेरी आप कंडीशन देख सकते हो मेरे पास रिसोर्स नहीं थे मैं आ, एक टाइम को शर्माता था अपने पापा को बोलने के कि, कि मॉक मॉक टेस्ट का पैसा देना पड़ेगा या मॉड्यूल का पैसा मेरे को चाहिए तो मतलब एक अंदर से आता था कि मतलब उनको तो इतना आई का पता नहीं था तो पहले बैच खरीदा फिर मॉड्यूल खरीदा हाँ पहले बैच खरीदा फिर मॉड्यूल खरीदा फिर मैंने सारे क्वेश्चन लगा लिए थे लास्ट तक मेरे सारे चैप्टर मतलब एक महीने में मैंने मतलब आ, दो साल जितनी प्रिपरेशन की होगी उन्नीस घंटे मतलब मैं एक डेढ़ घंटे सोता था और एक डेढ़ घंटे मतलब लाइफ मतलब जो नॉर्मल दिनचर्या काम था उनमें चला जाता था तो मैं सोता ही नहीं था कभी नींद आ गई बाई चांस तो आ गई सपने में मेरे को आई के क्वेश्चन आते थे उस उस फेज़ ऑफ़ लाइफ में फिर सेशन टू में मैंने अच्छा स्कोर किया मैथ्स का मैंने कट ऑफ क्लियर कर दिया और विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 99 और मैं वही बच्चा था जो चार महीने पहले ही मैथ्स में फ़ेल हो गया था स्कूल टीचर से आते थे फिर जैसे कोविड में जैसे मैंने स्कूल में फ़ीस देने की बहुत दिक्कत थी मैंने आपको बोला था मेरा प्राइवेट स्कूल था तो फ़ीस देने की बहुत दिक्कत थी तो मेरे को एग्ज़ाम के बाद पता चला कि मम्मी स्कूल गई थी एक बार कि मतलब बच्चा अभी फ़ीस नहीं दे सकता बच्चे की फ़ीस बाद में देंगे हम तो उन्होंने स्कूल के एडमिश मतलब स्कूल के लोगों ने बोला कि अगर आपकी हिम्मत ही नहीं है इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की तो आप बच्चों को पढ़ाते क्यों तो ऐसे ऐसे नहीं करते प्राइवेट स्कूल वाले मेरा स्कूल था मैं और मेरी बहन सेम स्कूल स्लम में तो नहीं रहा मैं घर की हालत ख़राब थी मतलब स्लम में क्लास सिक्स के बाद हम लोग स्लम में गए जब हमारा घर बिक गया क्लास सिक्स तक तो हमारा अपना घर था क्लास थर्ड में आधा भाग बिखा घर का कुछ पैसे आए पापा ने कुछ कुछ कोशिश की नहीं चला फिर दूसरा आधा भाग भी फिर हम लोग सिक्स क्लास में स्लम में चले गए पर स्कूल क्योंकि बचपन में अंग्रेजी मीडियम में नाम लिखा दिया था तो हटाया नहीं और फीस ज़्यादा थी उस समय के हिसाब से स्कूल की प्रयागराज जैसे शहर में तो मेरे पिताजी गए स्कूल में और यही बोला कि हमारा बच्चा पढ़ने में ठीक है बहुत अच्छा है नहीं था ठीक था मैं नाइन टेंथ में बोले पढ़ने में ठीक है इसकी फ़ीस आप आधी कर दो कम कर दो अभी थोड़ी सी यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल बात है कि हमारे स्कूल में क्रिश्चन बच्चों की फ़ीस आधी हो जाती है सीधा हुँ, हुँ. अब चाहे मतलब वो पढ़ाई में वो कैसे हो कैसे हों चाहे वो गरीब हों या अमीर हों से फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है वो मिशनरी स्कूल है पर कम से कम जिनके घर में हालात ऐसे हैं और मैं पढ़ाई में ठीक था बहुत अच्छा नहीं था पर ख़राब भी नहीं था तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा नहीं नहीं ये फीस इस यहाँ पर नहीं बंद हो सकती आप जैसे तैसे करना वो करो फिर मेरे एक दूर के मौसा जी हैं आस पास के रिश्तेदार तो काम नहीं आए एक मेरे दूर के एक कज़न मौसा जी थे वो बड़े ही फिलंस्रॉपिक आदमी हैं मतलब बहुत समाज सेवा आज भी करते हैं वो तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी फीस दे दूँगा और उसी स्कूल से फिर मैंने टॉप किया आज उसी स्कूल का पूरा एडसन से बोलता है कि आप हमारे स्कूल के हो यहाँ पे आके एक सेमिनार ले लो यहाँ पे खड़े होकर लोगों से बात कर लो मैं कहता हूँ अब क्यों जब मैं अपने बुरे समय पे था मेरे पिताजी आके आपसे हाथ जोड़ रहे थे तब आपको मेरी वैल्यू नहीं दिखी अब आज मैं कुछ कर लिया हूँ तो आपको मेरा सब यहाँ से सारा क्रेडिट चाहिए मेरा पता तो नहीं यार अगर बच्चा गरीब घर गर से है तो उसको कम से कम ये शिक्षा ही तो ऐसी चीज है जो अपॉर्चुनिटी देती है इंसान को वो भी आप नहीं देने दे रहे हो बड़ा दिक्कत है अपने यहाँ और जो आप बोल रहे हो ना कि है शिक्षा की प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है मुझको आप बेसिक अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रहे हो ना प्रॉब्लम यही है आप उसको अपॉर्चुनिटी जैसे आज मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप ऐसे घर से आए और उसके बाद आपने इतना बड़ा कर लिया मैंने कहा मुझे फिर भी अपॉर्चुनिटी मिली तुम्हें भी फिर भी अपर्चुनिटी मिली तुम्हारे बाप ने तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की बहुत सेक्रीफाइस किए तुम्हें अंग्रेजी मीडियम स्कूल अच्छे स्कूल में नाम लिखाया कहीं ना कहीं पढ़ाया फिर इस वाला का चार हजार का बैच दिलाया ना बहुत बड़ी बात है उसके बाद चार हजार का मॉड्यूल दिला दिया आठ हजार रुपये एक साल में बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है नाइंसाफी उन बच्चों के साथ हो रही है जिनको ये अपर्चुनिटी नहीं मिलती है अब वो इंसान रिक्शा चला रहा है वो इंसान कूड़ा बन रहा है क्योंकि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं एक बार पड़ेगी तो मैं तो सोचता हूँ कई बच्चे कहते हैं कि हमारे घर में ए सी नहीं है ऐसा हमारे पास अच्छा फ़ोन नहीं है हम कहता है मुझे लगता है मतलब शर्म करो शर्म करो और थैंकफुल रहो भगवान से थोड़ा सा खुश नजीब फील करो किस्मत वाले फील करो तुम ऐसे घर में हो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है तुम्हारे घर में पंखा है लाइट है तुम बताओ तुम्हारे घर में छत नहीं था छत बाद में बना तो इतनी अपॉर्चुनिटी तुमको मिल रही है आई थिंक मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका दर्द कम है पर दुनिया में इससे कहीं ज़्यादा दर्द है हाँ वो तो है अगर मैं इतना फेल होकर लास्ट में जे एडवांस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकता हूँ तो इंडिया में तो बहुत बच्चों के पास रिसोर्स नहीं होंगे कम से कम अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आप तब भी कर सकते हो और आप भटकना मत यूटूब पे यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे बहुत लोग भटकाएंगे कि ये बोर्ड लेवल कंटेंट है ये मत कीजिए वो मत कीजिए आपको पता है आपको क्या करना है आप अपने टीचर से भरोसा कीजिए और मतलब ऐसा नहीं कि आ, बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मतलब क्या ना इस्कोर टू हंड्रेड प्लस इन जे क्लास में आप कीजिए तो सही आप एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा आई या दिमाग का डिफरेंस नहीं होता टॉपर वो मेहनत करता है टॉपर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा आप आ, को लाइफ में आ, आगे कुछ करना है मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बनूँ और जो कि मैं बनूँगा एक दिन मेरे स्टोरी का पार्ट टू भी आएगा कभी तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरे साइड में खड़े हो और मेरी मम्मी भी साइड में खड़ी हो तो आ, इमोशन तो बहुत है लेकिन मतलब इतना देख लिया तो आंसू नहीं निकलते मतलब आंखों से आ, वैसा हो गया सीन तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब मम्मी पापा भाई मेरी साइड खड़े रहे और मैं उनका जो भी सपना है जिन जितने भी टाइम वो जीवित है तो उनके लिए कुछ कर सकूं तब तक अरे यार तुम रो नहीं यार यहाँ तक आ गया तू अब जाएगा यार और ऊपर देखो ऐसी होती है हिम्मत इसे कहते हैं हिम्मत भाई साहब बस साहब बस दिल खुश कर दिया तुम्हारा ऐसा एक बच्चा आ जाता है ना हमको एक साल काम करने का कारण मिल जाता है फिजिक्स वाला चलाने का कारण मिल जाता है हाँ सर मैं तो मतलब इतने नॉइज होते थे जब मेरे वो रिलेटिव ने घर से निकाल दिया था मेरे किताब कॉपी को बाहर रख दिया था क्या तो हो गया था मैं रिलेटिव के घर में गया था आपको बताया था कि मतलब रिलेटिव के घर में गया था पढ़ने कि मेरा वह असलम में माहौल नहीं है मतलब लड़ाई हो रही है पानी के लिए लड़ाई हो रही है सबके लिए लड़ाई हो रही तो एक मेरे को फोकस चाहिए था मैं उनके घर में गया था तो एक हफ्ते में उन्होंने निकाल दिया सारा कॉपी किताब बाहर रख के तो मैं अपने टैक्सी में पढ़ता था रात में टैक्सी पार्क होती थी, थी तो मैं टैक्सी में पढ़ता था और मैं ज़मीन पर सोता था मतलब ताकि घर ही छोटा था मम्मी पापा को ऊपर सोने देता था मम्मी पापा दीदी को और मैं खुद ज़मीन पर सोता था पढ़ता था और मैं बहुत पढ़ता था मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ता था मैंने बहुत क्वेश्चन किए बहुत सारे घंटे निभाए ताकि मैं अपना ड्रीम जो आईआईटी है वो अचीव कर सकूँ अपने घर वालों को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ आई एम प्राउड ऑन यू नौकरी करोगे आगे अगर मतलब मैं इस वीडियो से हो सकता है तो अपने पापा को आ, मैं इस वीडियो से अपने पापा को मैसेज देना चाहूँगा मतलब घर के बेटों के लिए तो आई से टफ ये रहता कि अपने पापा को कन्फेस करे कि वो उनसे प्यार करते हैं तो मैं यही कन्फेस करूँगा मैं ख़त्म करना चाहूँगा इंटरव्यू बोल लिए हम नहीं बोल पाए पिताजी हम भी आपसे प्रेम बहुत करते हैं बोल नहीं पाते तो अच्छा बोलना है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे लगता है वो है वो बिना कंडीशन का प्यार होता है पिताजी से जो होता है बहुत गर्व हुआ तुमसे मिलकर उसको कंक्लूड करते हैं चलो पिताजी को सुबह सुबह हमको पोहा खाने की आदत है हम रोज़ सुबह पोहा खाते हैं हमें बहुत पसंद है तो एक मम्मी एक दिन हमारी थी नहीं सुबह तो हम सुबह उठे पिताजी पोहा बना के ले आए रूम में उनको पता नहीं सो खाते हैं हम पोहा का प्लेट लिए हम पिताजी को बोले थैंक यू पिताजी पीछे पलट के बोले बाप को थैंक यू नहीं बोला जाता है वो लाइन हमको मतलब पूरी ज़िंदगी याद रहेगी वो मतलब बस बोल के चले वो बहुत कैजुअली ऐसा नहीं कि बोल के हंसे हो बस पीछे पलट के बोले बोले बाप को थैंक यू नहीं बोला जाता वो चले गए इतना बोल के वो अलग ही बॉन्ड है मतलब ना आप कभी थैंक्स बोल सकते हो ना कभी क्या बोले उसको एहसान बोले जो बोले उसको ना कभी चुका सकते हो मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि मतलब तू मेरे से एक वादा कर कि लाइफ में तू कभी टैक्सी नहीं चलाएगा खरीद डालेंगे टैक्सी ढेर सारी पिताजी के लिए टैक्सी की कंपनी खोल देंगे मतलब बोलते थे कि कभी टैक्सी मत चलाना ही यहाँ मतलब दस दस रुपए के लिए लोगों से गाली सुननी पड़ती है तो जो भी देख रहे होंगे वीडियो तो कभी आपको कोई कैब ड्राइवर या ऑटो रिक्शा या टैक्सी वगैरह का ड्राइवर मिले तो गाली वगैरह मत दिया कीजिए हो सकते हो किसी के पिताजी हो ये जो खराब बिहेव करते हैं ना टैक्सी ड्राइवर से ऑटो ड्राइवर से या समाज के उन लोगों से जो आर्थिक रूप से इतने उनके बराबर के नहीं होते अक्सर वही लोग खराब बिहेव करते हैं जिनके पास अपने बाप का पैसा होता है जो इंसान संघर्ष करके गरीब हालत से खुद से अपने आप को बनाता है ना वो कभी किसी आर्थिक रूप से तंग इंसान को ना कभी छेड़ता नहीं है उसे कभी गाली नहीं दे सकता ये अक्सर उन्हीं आ, अमीर माँ बाप के बेटे होते हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष नहीं देखा है जिन्होंने अपने दम पे कुछ बनाया नहीं है वही हंसी मजाक उड़ाते हैं वही गाली गलौज करते हैं जैसे कोलकाता में दुर्गा पूजा होता है एक फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है तो उसमें लोग मतलब आपस में बोलते हैं जैसे आ, कितने कपड़े खरीद लिए मतलब कौ तो सेट नहीं लीज तो इसका मतलब तो हाँ मतलब कि इसका मतलब आपने कितने कितने सेट लिए कितने कपड़ों का सेट लिया तो मैं हंस हाँ दिया करता था कि मतलब यही कुछ यहाँ फटे कपड़े पहन रहा हूँ मतलब मैं फटे कपड़े ही पहनता था मेरे मतलब टी शर्ट वगैरह फटी रहती थी जेई वगैरह जो टाइम पीरियड में पहनता था और ये बच्चों को भी सीखना चाहिए कि आपको लास्ट मोमेंट एग्जाम के लास्ट मोमेंट या लास्ट सेकेंड तक आपको फाइट माननी है भले आपका सिलेक्शन हो ना हो और उस जे एडवांस के रिज़ल्ट के बाद मेरे को एक बात तो समझ में आई कि डिजर्विंग तो हर एक बच्चा होता है मतलब जो आई में बैठता है मतलब सीट तो पंद्रह हज़ार सोलह हज़ार है मतलब डिजर्विंग हर हर बच्चा होता है आ, वो भले ही मेहनत कम करे लेकिन डिज़र्व तो हर हर लोग ही करते हैं उनका मतलब तो है, अलग जगह में उनकी एक्सपर्टीज़ हो सकती है भले ही पढ़ाई उनको अच्छी ना लगती हो तुम यहाँ तक आए

मेरे को किसी की फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है बहुत अच्छी बात है और मैं मतलब इनकम जनरेट भी करूँगा तो लाइक like, मैं आपके फिजिक्स वाला टीम से जुड़ना चाहूँगा कि मतलब बच्चों को थोड़ा गाइड कर दूँ कि मतलब मैं मतलब फ्री का पैसा नहीं लेना चाहता मैं काम करूँगा मैं मेहनती था बचपन से ही मेहनती था कोई और रोहित शो भी किसी दिन आएगा काम करोगे ना फिजिक्स वाला में जॉब करोगे चलो जॉब करते हैं फिर इंटरव्यू कराऊँगा तुम्हारा मैं प्रॉपर सेलेक्ट हो गए तो ही नौकरी करना एकदम खुददारी से जियो बहुत अच्छा लगा मैं सुन के पता है मैं बहुत से लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ और ठीक है कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं कुछ लोग सही भी होते हैं जब कोई आर्थिक रूप से ठीक थी ठीक होता है और अपने जीवन में मेहनत नहीं कर रहा होता है फिर भी मेरे आसपास मेरे से मदद मांगने आता है तो कुछ पुराने रिश्ते भी हैं कुछ पुराने दोस्त भी हो जाते हैं तो भगवान ने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए आप लोग की दुआ से मिले तो मैं मदद कर देता हूँ मेरी बहन बता के मुझको क्या बोलती है कहती है तुम ऐसे लोग को कमजोर कर दोगे अलग

बच्चों को दे तुम तो मैं मेरे को नीचे मेरी तरफ से तो निकल गए अब मुझे उसको तो कहीं तो देना है समाज में बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके एक चीज़ जो मुझसे मुझे तुमसे भी सीखी और यही मेरी बहन भी मुझको बोलती थी कि व्यक्ति को अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और तुम्हें वो लड़ाई लड़ रहे हो मेरी सारी विशेष तुम्हारे साथ हैं बाकी तुम बहुत मजबूत हो सर आपसे मिलना भी मेरा एक ड्रीम था क्योंकि मैंने ही अपनी दीदी को बैच दिलवाया था मैं आपको बहुत पहले से ही देखता था ट्यूशन फीस बचाने के लिए अपनी साइंस के तो मेरे लिए आप बोल रहे थे कि लेट हो जाएगा मैं छः साल वेट कर सकता हूँ तो छः घंटे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे आइए <laughs> आके बैठा हुआ था तो मैंने इसको बोला थोड़ी देर वेट कर लो तो इसने <laughs> तो यही था एक मैं आपसे भी मिलके अपना एक सपना पूरा कर रहा हूँ अपने घर परिवार का एक सपना पूरा कर रहा हूँ तो ये थी रोहित शॉ की कहानी थी नहीं है और आगे भी रहेगी और बहुत बेहतरीन उसका पार्ट टू भी आएगा रोहित ने कहा है और पार्ट टू के अंदर मुझे उम्मीद है कि एक कपड़ों की सुपरमार्केट एक टैक्सी की बड़ी कंपनी ये सारी चीज़ें आपके पास होगी देखो गरीब घर के बच्चों के पास कुछ होना हो सपने हमेशा हद से ऊपर देखने चाहिए और मैंने भी हमेशा देखे हैं देखोगे तो सच होंगे पढ़ाई करते रहो बच्चों हम लोग के पास पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम बड़ी सी बड़ी जंग जीत सकते हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ मेहनत करते रहो कहीं लगे रहो कहीं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में प्रोडक्टिव चीज़ में खुद को डुबाए रहो हालात बदलेंगे समय लगेगा वक्त बदलेगा वक्त चमकेगा मेरी सारी दुआएं सारी विशेष आप सभी के साथ हमेशा रहे जीवन में कुछ अच्छा करते रहें ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद